तो पक्ष में शुरू कर रही है वंशिका। हाँ जी बोलो, अपना पक्ष रखो आप। सह शिक्षा स्कूल होने चाहिए, लड़का लड़की एक साथ बैठने चाहिए। लड़का लड़की एक साथ नहीं बैठेंगे पढ़ेंगे नहीं तो अपनी एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाएंगे, जिससे और दिक्कत हो सकती है उनको, शर्म मतलब कि शर्म आ सकती है, लेकिन आगे जाके भी शायद से ऐसा हो कि उनको शर्म आए, लेकिन अगर लड़का लड़की एक साथ बैठे तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ जी, आप क्या रखना चाहेंगे विपक्ष में? अगर कंबाइंड स्कूल हो गए और अभी से बच्चे छोटी उम्र से लड़का लड़की साथ में पढ़ने लग गए, अभी तो हमारी छोटी उम्र है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, बड़े होंगे तो बड़े होंगे हमें कोई शर्म वर्म नहीं आएगी, क्योंकि हमें उतनी दिमाग होगा कि हाँ ऐसा पूछ सकते हैं, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम्हारा फ्रेंड है। लेकिन अगर हमारी छोटी उम्र है, इतनी उम्र में अगर हम ऐसे बैठते हैं किसी के साथ बातें ऐसे शेयर करते हैं तो उसके साथ रिलेशनशिप भी बन सकती हैं। जैसा उन्होंने बोला कि छोटी उम्र से ही बच्चे ऐसे सीखेंगे तो क्या होएगा, अगर घर प्रॉब्लम्स होती है वो बड़े बड़े होने पे ही होती है, कम मैक्सिमम 14-15 साल पे तो ये होती है। अगर हम इतने टाइम तो हम बड़े हो जाते हैं, हमें ये तो पता होता है हमें किससे क्या बोलना चाहिए। अगर हम उनके साथ प्रॉब्लम शेयर करेंगे वो भी तो बड़े हैं, उनको भी हमारी प्रॉब्लम मतलब समझ आ सकती है। जैसा कि इन्होंने बोला कि अगर हम छोटी उम्र से पढ़ेंगे तो आगे जाके हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे लड़कों के साथ। तो जैसे कि हमारी जो भाई बहन का रिश्ता होता है, जैसे घर में होते हैं तो लड़के लड़की जब भाई बहन होते हैं तो भाई बहन का रिश्ता अलग ही होता है। हम जब भाई बहन होते हैं ना तो हमारे साथ लड़ाइयाँ होती हैं, नोकझोंक होती हैं, फिर बातें होती हैं, फिर हम उसको सुलझाते हैं, वो रिश्ता अलग होता है, वो अलग लेवल का होता है, वो हमें फीलिंग दिलाते हैं ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरा भाई है। लेकिन जब हमारे सामने कोई बैठा होता है, मान लीजिए किसी लड़की को कोई पसंद आने लगा, अंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़के को कोई पसंद आने लगा, तो ऐसे भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और समाज में क्या हो सकता है कि ये लड़की लड़का एक साथ जाते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी बदनामी भी हो सकती हैं लड़कियों की। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यह समाज की सोच पर डिपेंड करता है कि वो लड़का लड़की को एक साथ कैसे देखते हैं वो लोग। अगर वो समझते हैं कि ये लड़का लड़की एक साथ जा रहा है, शायद वो बहन भाई भी हो सकते हैं। अगर आप उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना दें तो ऐसा क्या होगा कि घर में भी लोग समझेंगे कि भाई के साथ जा रहा होगा कोई, तो समझेगा ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। अगर समाज की सोच पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। हाँ जी सर, जैसा कि इन्होंने बोला कि ये तो समाज की सोच पे डिपेंड करता है कि वो कैसा सोचते हैं, तो अगर हम बारिश आती है तो क्या हम ऐसे ही चले जाते हैं, हम बारिश को रोकने की कोशिश करते हैं क्या? हम तो छतरी लेते हैं ना, अगर बारिश आती है तो हम छतरी लेते हैं, बारिश को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें समाज की सोच को बदलने से अच्छा है अपनी सोच बदलनी चाहिए, खुद को संभालना चाहिए। अगर हम खुद को संभालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर कंबाइंड स्कूल हुए तो ऐसा बहुत सारे अचानक से, अगर मान लीजिए लड़का लड़की साथ में बैठ गए और अचानक से देखा कि ये लड़का लड़की साथ में बैठ रहे हैं, तो बहुत सारी रिलेशनशिप बन सकती हैं, क्योंकि अचानक से बैठ रहे हैं ना तो ऐसा फीलिंग आया कि ये तो लड़का है, ये तो वो है, तो बहुत सारी रिलेशनशिप बन सकती हैं। तो जैसा कि वंशिका ने बोला, हमारी फ्रेंड ने, कि अगर हम साथ में बैठेंगे तो हमारी कंपटीशन बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं जानती हूँ तो कंपटीशन हमेशा लड़कियों के बीच होता है, देखो ज़्यादातर लड़कियों के बीच में होता है। अगर लड़की अगर कोई आंटी है देखती हैं कि अरे आगे एक आंटी है सोना पहन रखा है, तो आंटी दूर से ही बोलेंगी ला दो मेरे लिए सोना, ला दो मेरे लिए। और अगर लड़के चाहे ये पहन के आएँ गाड़ी में आएँ, उन्हें कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर लड़के लड़कियां साथ में बैठेंगे तो ये भी हो सकता है कि जो लड़के हैं वो ऐसे देखकर मतलब काम ही ना करें कि चलो इसको पास होने दो, ये तो लड़कियां हैं चलो पास होने दो, ऐसा भी हो सकता है ना। उसको उसी जगह कॉम्पिटिशन में कोई अच्छा प्राइज़ मिल रहा है, चाहे उसकी ज़रूरत का उस लड़के की ज़रूरत का है, तो वो भी सोच सकता है कि मैं भी इस कॉम्पिटिशन में ले सकता हूँ, कॉम्पिटिशन में इतने सारे अच्छे अच्छे प्राइज़ हो रहे हैं। प्राइज़ किसको नहीं चाहिए, किसको अपनी ट्रॉफी मेडल की लाइन नहीं लगानी, सबको लगानी है।